अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, कश्मीरी चाय। तो कश्मीरी चाय जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, ये जो तरीका है ये मैं आपके साथ जेन्युइन शेयर कर रही हूँ। यानी कि इसके अंदर कोई मैंने फूड कलर जो है वो ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया है। जैसा ही ये इस पत्ती का रंग होगा, ये बिल्कुल जेन्युइन रंग होगा। तो ये देखें, ये है टपाल की हमारे पास कश्मीरी ग्रीन टी, ठीक हो गया। तो ये देखिए, इसके लिए तकरीबन इसमें 2 कप पानी के ऐड करके, जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो देन हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची, और उसके बाद इसमें डालेंगे बादियान का फूल, और साथ डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। अगर आपके पास लौंग भी हैं तो आपने 2 जो है ना लौंग भी ऐड कर लें। मेरे पास लौंग ख़त्म हुई थी इसलिए मैंने लौंग ऐड नहीं किए। और जैसे इसमें बॉईल आएगा फिर हम इसमें कश्मीरी चाय की जो ग्रीन टी है यानी कि वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। पकाते रहे तो इसका ये जो कलर है ये आपके साथ मैंने शेयर किया है, बिल्कुल इसी तरह का कलर इसका आया था, ठीक है। और इसको फिर मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और इसके अलावा ये जितने तकरीबन इसमें हमने जो दूध है तकरीबन 3 कप के करीब इसमें दूध लिया है, और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चीनी ऐड किया, और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको बॉयल आएगा, जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है तकरीबन, ये चेक करें। आँच जो है इसमें हम अब हल्की कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और फिर इसके अंदर जो ग्रीन टी है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसमें जो मेवा जात ऐड किए थे वो बादाम था, अखरोट था और पिस्ता था। बादाम और अखरोट को जो है वो कद्दूकश कर लिया था बारीक बारीक, और जो पिस्ता था उसको सिर्फ कटिंग किया था छोटे छोटे पीसेस में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये देखें, अब हम इसमें इसके अंदर कलर ऐड करने लगे हैं। देखें, ये जेन्युइन कलर है, मैंने इसमें कोई फूड कलर जो है वो ऐड नहीं किया। पिंक कलर का जो फूड कलर होता है ना वो इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये बिल्कुल इसका सही कलर है जो आया है। अच्छा जी, ये देखिए पिस्ता है, ये अखरोट है और साथ ये बादाम है, इसको मैंने कद्दूकश किया है और पिस्ते को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग किया। और जब हम कपों में इसको डालेंगे तो ऊपर से ये गार्निश कर देंगे थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट, जितना जिसको पसंद है उस हिसाब से ये डाल के तो आप इंजॉय करें। तो ये देखिए, इस तरीके से चाय बनती है। इसका अब एक बॉयल आएगा तो हम इसको उतार लेंगे, फिर हम इसको कपों में ऐड करेंगे। तो ये देखिए बॉयल आ गया हुआ, हम इसको कप में ऐड करते हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की चाय बनी थी। इसी तरीके से हम चाय बनाते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की चाय बनी है। अब हम इसके अंदर थोड़े से मेवा जात ऐड करेंगे। और ये देखें, बस आपसे काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, मेरे पापा जो हैं चाय पियेंगे अभी, फिर आपको बताएँगे कैसी बनी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अगर मेवा चाय जो है वो नीचे बैठे हुए हैं तो वो ऊपर मिक्स करेंगे और फिर हम इसको पियेंगे। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो ये वेडनेसडे के दिन की वीडियो है, शाम के टाइम की, और आज थर्सडे है तो आज मैं आपके साथ इसकी जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बहुत ही गर्म चाय है तो हमने क्या किया था, जो लकड़ी होती है ना उसको जलाया था। ये देखिए, इसकी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर किया, लकड़ी को जलाया था तो ये कमरे में रखा हुआ ताकि थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाए। ये देखिए, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।